अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से ठीक ठाक होंगे। अच्छा तो यार, मुझे ना पाकिस्तान के ना हारने की वजह पता लगी है कि पाकिस्तान हारा क्यों। पीछे अब्दुल मजीद आइसक्रीम और लस्सी पी रहे हैं, उसको इग्नोर करना। अभी भी स्कूल से आया बेचारा, थका हुआ, भूख लगी है तो खाना पीना तो चलता रहे। अच्छा, पाकिस्तान के कल हारने की वजह मुझे समझ आई है कि यार असल में ये था कि 11 सितंबर को ना कायद आजम की योम वफात थी। तो यार पाकिस्तानी टीम ने सोचा कि यार आज तो कायद आजम के मरने का दिन है, तो यार हम लोग क्यों खुश हों। ठीक है, तो इस वजह से वो लोग ना कप हार गए, एशिया कप हार गए कि यार ये तो वफात का दिन था और इसमें गमगीन होना चाहिए था, हम लोग खुश हों, खुशियां मनाएं, ये उनको पसंद नहीं थी बात। तो इस वजह, और दूसरी बात कि यार श्रीलंका में क्राइसिस बहुत चल रहे हैं, ठीक है, और बेचारे बैंकक्रप्ट हो, तो पाकिस्तान ने कहा यार इनको ये छोटी मोटी खुशियां हम दे ही देते हैं, इनको ये खुशी दे दो तो अगला काम हम लोग कर लेंगे। तो यार ये वजह मुझे सही पता लगी है, मैंने सीआईडी से रابطہ किया कि असल वजह मुझे बताओ ना कि पाकिस्तान एशिया कप क्यों हारा। तो उन्होंने मुझे ये सारी बातें बताई कि ये वजह है कि एक तो बैंकक्रप्ट था, हमने कहा इनको खुशी दे दो, कप इनको दे दो, हमने सदका कर दिया इनको कप, हारे जानबूझ के, हम लोग इतनी बुरी गेम नहीं है लेकिन जानबूझ के हारे हैं कि अपने भाई हैं, कोई नहीं खैर मेरा है। तो बस यार ये मुझे बात बता कि मैंने कहा आप सब लोगों से मैं बता दूं, बाकी स्टे ट्यून और खुश रहें और अल्लाह हाफिज़।